अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों ड्रामा सीरियल कहीं दीप जले की अगली किस्म में आप नाज़रीन देखेंगे कि शुमैल अपनी माँ से कहती है कि दम घुटता है मेरा इस घर में, कोई काम अपनी मर्जी से नहीं कर सकती। मैं कह रही हूँ पहले मैं रिदा का पता साफ करूँगी, फिर खाला जहाँ का। इस घर की मालकिन तो मैं बंक कर दिखाऊँगी। उसकी माँ तो सिर्फ गुस्से से उसकी तरफ देख रही है और उसकी बातें सुन रही है, लेकिन ये नहीं जानती कि पीछे खड़ी उसकी बहन सारी बातें सुन रही थी। वो आगे आकर कहती है कि तुम्हें इतने मुश्किल काम करने की ज़रूरत नहीं है, तुम वैसे ही इस घर की मालकिन बन सकती हो। शुमैला अपनी छोरी पकड़े जाने पर घबरा जाती है, नज़रें झुका लेती है। शुमैला अपना गुस्सा रिदा पर निकालती है कि तुम्हारी वजह से पूरे घर में टेंशन का माहौल बना हुआ है। शुमैला रिदा पर चिल्लाती है और ऐसे में पहाम अपनी आंखों और कानों से ये सब देख और सुन लेता है। शायद उसकी माँ और बहन कभी उसे ये सब न बताते। वो गुस्से से शुमैला पर चिल्लाता है और उसे घर से निकल जाने का कहता है। शुमैला चिल्लाकर कहती है कि मैं सिर्फ रिदा को समझा रही थी और कोई गलत नहीं कह रही थी, और क्यों जाऊँ मैं यहाँ से, यतीम हूँ, कोई पीछे आने वाला नहीं, इसलिए कह रहे कि जाओ यहाँ से। पहाम की माँ उसे चुप कराने की कोशिश करती है, हुआ क्या है आखिर बताओ तो सही। शुमैला उन पर बरस पड़ती है कि ये तरबियत की है आपने अपने बेटे की कि मुझे घर से बाहर जाने के लिए कह रहे हैं। पहाम उसकी बदतमीजी सुनकर चीख पड़ता है, हाँ यही तरबियत की है हमारी माँ ने, हमारी और बहुत अच्छी तरबियत की है, तुम्हें कोई हक नहीं पहुँचता हमारी माँ की तरबियत पर उंगली उठाने का। दूसरी तरफ जीशान रिदा के घर वालों की तरफ से जवाब न आने पर काफ़ी परेशान है। उसकी माँ जी उसे कहती है कि तुम नाउम्मीद क्यों हो रहे हो, उन्होंने इनकार तो नहीं किया, जिसके जवाब में जीशान कहता है कि अल्लाह करे वो इनकार ना करे। माँ जी जीशान की उत्तरी शक्ल देकर पूछती हैं कि बहुत मोहब्बत करने लगे हूँ उसे। उधर हातिम को इंस्पेक्टर हैदर का फोन आता है कि एक बंदा हाथ लगा है और उसने एतराफ़ कर लिया है कि तुम्हारे दोनों नंबर्स पर वही मैसेजेस करता था। हातिम यह सुनकर कहता है कि कौन है। तो दोस्तों आप लोगों के ख्याल में क्या वो मैसेजेस करने वाला शुमैला है या कोई और, कमेंट करके अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।